हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीवीएल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कॉलम लेआउट प्लान के बारे में। जी हाँ गाइस, कि हम अपनी साइट पर किस तरह से कॉलम का लेआउट करवाते हैं, उसका ड्राइंग किस तरह से रीड आउट करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर करने वाले हैं, जिससे आपको अगर आप अपना बिल्डिंग कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किसी भी टाइप का बनवाते हैं और किसी भी इंजीनियर से या आर्किटेक्चर से जो ड्राइंग आप बनवाते हैं उसको किस तरह से रीड करेंगे, किस तरह से पढ़ के अपना प्रॉपर तरीके से लेआउट करवा पाएंगे। मेन चीज गाइस, बिल्डिंग में लेआउट का ही होता है। अगर आपने सही तरीके से लेआउट करवा लिया तो बिल्डिंग सही बन पाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी भी मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले इसमें मेन चीज आपकी होती है ग्रिड लाइंस। तो ये जितनी भी आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं जिसमें एक पॉइंटर लगा होता है, बाकी डैश लाइन की टाइप में होती है, तो इस चीज को ग्रिड लाइन बोलते हैं, इस लाइन को। ओके, तो ये सबसे पहले आपको एक बेस पॉइंट दिया जाता है आर्किटेक्चर की तरफ से। आर्किटेक्चर या कोई भी कंसल्टेंट होता है वो आपका एक पॉइंट बना देता है, एक बेस पॉइंट, कि भाई ये आपका बेस पॉइंट है, यहां से इतनी डिस्टेंस पर आपको आपकी फर्स्ट ग्रिड लाइन डालनी होगी। तो बोस पॉइंट से आप अपनी फर्स्ट ग्रिड लाइन डालते हैं, माना कि आपकी फर्स्ट ग्रिड लाइन है ए ए, ठीक है। इधर से जो है ए ए पड़ेगी जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल फर्स्ट ग्रिड लाइन आपकी वन वन रहेगी, जो आप वन वन देख सकते हैं। तो गाइस, इसमें जो आपका बता दें कि जितने भी आपके वर्टिकल लाइन्स रहेंगे ड्रॉइंग में वो आपके 1 2 3 4 करके पड़े जाएंगे, और जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगे ग्रिड लाइंस वो आपके ABCD करके पड़े जाएंगे। ओके, तो अब आपका जब फर्स्ट ग्रिड लाइन इधर से भी हॉरिजॉन्टल भी पड़ गया और फर्स्ट ग्रिड लाइन वर्टिकल भी पड़ गया आपका किसी बेस पॉइंट से, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अब अपने और सारे ग्रिड लाइन किस तरह से डालते हैं। तो गाइस, जब हम ये अपना हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन डाल रहे हैं तो फर्स्ट ग्रिड लाइन आपका पड़ गया, वहां से हमें ये सेकंड ग्रिड लाइन यानी बी डालने के लिए 1560 mm यहां से मेजरमेंट करना होगा। सेम मेजरमेंट यहां पर 1560 mm करके यहां पर हम दूसरा ग्रिड लाइन डाल लेते हैं। इसी तरीके से यहां पर जितनी भी यहां पर ये मेजरमेंट दिया हुआ है 3215 जितना भी है, उस तरह से हम मेजरमेंट करके यहाँ पर अपना ग्रिड लाइन डालते चले जाएंगे। ये गाइस, हम एक अपना देसी तरीका बता रहा हूँ। वैसे ज्यादातर यहाँ पर टोटल स्टेशन से ही पॉइंट आउट किए जाते हैं, लेआउट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिससे कि आप को जो छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं बिल्डिंग का, सिंपली हाउस का, तो वो किस तरह से आप अपना प्लान का लेआउट करवा पाएंगे, क्योंकि वहां पर संभव नहीं होता है इतने महंगे इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रिड लाइन आपने डाल लिया, फिर क्या करेंगे आप, अगर वर्टिकल इसी तरह से वर्टिकल ग्रिड लाइन एक दूसरे से नाप कर करते जाएंगे। ये आपकी 2450 से 1000 mm में इस तरह से ये सारे आपने ग्रिड लाइन डाल ली। अब बात आती है कि आपने ग्रिड लाइन टू डाल ली, अब अपना कॉलम को फिक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अपना फर्स्ट कॉलम, और कॉलम को भी किस तरह से रीड आउट करेंगे। तो गाइस, ये वाला कॉलम है आपका बी लाइन में आ रहा है और वन पे आ रहा है, तो इसको बी वन पढ़ेंगे। ये आपका बी लाइन में आ रहा है और थ्री पे आ रहा है, तो तीन नंबर पर बी में है तो बी थ्री इसको पढ़ देंगे। ई ए नंबर में ए में आ रहा है चार नंबर पर, तो इसको ए फोर पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से कॉलम का नामकरण कर देते हैं। तो पहले कॉलम का लेआउट किस तरह से करेंगे, तो गाइस इसमें जो चार वेल्यू दी हुई है हमें, तो ये जो वेल्यू अपनी बड़ी वेल्यू दिखा रहा है कि 200x1200 है, तो यानी ये 1200x200 का जी आपका पूरा साइज का कॉलम है। तो इसमें ये वाली जो वर्टिकल ग्रिड लाइन जा रही है बता रहा है कि इससे 100 mm इधर को जा रहा है,
तो इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से 100 mm इधर नाप के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके पैरेलल। गाइस सेम इसी की तरह है कि ये 200 का है तो 100 mm इधर दिखा रहा, तो से ऑब्वियसली है कि 100 mm इधर भी होगा। तो ये वाली जो ग्रिड लाइन भी जा रही है इसके सेंटर से जा रही है, तो हम इस तरह से इधर 100 mm नाप कर और इधर 100 mm नाप कर इसको अपने इसके पैरेलल ग्रिड लाइन के पैरेलल दो लाइनें बना लेंगे। तो ये हमारा जो चारों लाइनें मिलेगी वो हमारी जो है कि कॉलम की लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी, और यहाँ से जो है 1100 mm हो ही जाएगा क्योंकि टोटल 1200 का है, 100 mm इधर मिल गया। तो इस तरह से हमारा कॉलम का एक कल लेआउट हो जाएगा और उसका स्टार्टर वगैरह डलवा सकते हैं। तो इसी तरह से इन सारे कॉलमों का लेआउट किया जाता है। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर इसका और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको भी अपना बिल्डिंग डिजाइन करवाना है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।